नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह जी। सर कहाँ से आए हैं आप? विलेज डाणी ठाकरन, तन नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं जी सब देवी देवताओं की भक्ति करता था। उसके बाद में मैं धन धन सतगुरु तेरा आसरा से जुड़ा हुआ था सिरसा से जी। 9 साल तक उनकी भक्ति की मैंने। 9 साल में मुझे ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ जिससे मुझे लाभ हुआ हो। उसके बाद में ये कांड होने के बाद में, जेल में जाने के बाद में मैं विचलित सा हो गया था कि अब क्या करें, ये भक्ति सत्य नहीं है। जब गुरु जेल में इस कांड से गए, ऐसे में विचलित सा हो गया था। अचानक दिल में ऐसे प्रेरणा होती थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन मैं टीवी के अंदर सत्संग देख रहा था, तो सत्संग देखते देखते बहुत से साधुओं के सत्संग आते थे साधना चैनल पे। तो एक दिन क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चालू था। मैं उस सत्संग को देखा। देखने के बाद में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमने बहुत से साधुओं के सत्संग देखे, लेकिन इनमें कुछ अलग, सब कुछ अलग सा दिख रहा है। तो मैंने उसको गौर से देखना शुरू कर दिया। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। मैंने देखने के बाद में मेरे को प्रेरणा ऐसे जागी कि ये संत पूरे संत हैं, इनकी भक्ति सत्य है, सतग्रंथों से मैच करती है सारी। तो मैंने उनकी छानबीन करके 2-3 सत्संग और देखे, और देखने के बाद में अचानक दिल में ऐसी प्रेरणा होने लगी कि तू एक दिन भी लेट मत कर, तू चल। तो मैंने पता किया, स्क्रीन पे नंबर लिए। नंबर लेने के बाद में एक भगत से फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद में मैं नारनौल पहुंचा नामदान केंद्र पे। तो नामदान केंद्र पे मुझे कुछ नियम बताए गए। नियम बताने के बाद मैंने कबूल किए नियम सब। परमात्मा की पहले से भी दया थी, इतने ऐब नहीं थे। और मालिक का सत्संग सुनने के बाद में मैं यहाँ नामदान केंद्र पर नियम सब सुन के और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद में सबसे प्रथम तो मुझे ये पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी शक्तियाँ हैं। धन धन सतगुरु तेरा या आसरा में उपमात्मक नाम दिए जाते थे, उस नाम से मेरे को यहाँ जुड़ने के बाद में पता लग गया कि ये सतनाम नहीं है और मालिक की सतभक्ति भी नहीं, इससे मोक्ष प्राप्त नहीं है। और दूसरा लाभ ये हुआ कि धीरे धीरे मेरे को भक्ति करने लगा, परिवार मेरा सारा जुड़ गया, ये दया करी संत रामपाल जी महाराज ने। और लाभ ये हुआ कि मेरे घर से एलर्जी बनने से श्वास की बीमारी हो गई थी। मैंने जयपुर महात्मा गांधी के अंदर उनका 9-10 दिन तक इलाज करवाया। उसके बाद में सभी जांचें करवाई, डॉक्टर ने जवाब दिया कि इनको लाइफ टाइम तक ये बीमारी जा नहीं सकती जड़ से, और आप इसका ट्रीटमेंट करवा के दवाइयां शुरू करते रहो, लगातार लेते रहो। उसके बाद में छुट्टी लेके मैं 9 दिन बाद में घर आया। घर आने के बाद में दूसरे तीसरे रोज़ हम रात को सोए हुए थे, मेरी धर्मपत्नी बता रही थी, सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं गए, उनके सिर पे हाथ रख के गए। उसके बाद में मेरी पत्नी को कभी आंख भी दुखने नहीं आई, वो खूब काम करती है, सारा घर का कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने दया करी। उसके बाद में जयपुर से 70 किलोमीटर आगे दूधू पड़ता है, वहाँ कोर्ट के अंदर मेरी तारीख थी। मैं रात भर के लिए थाना के अंदर दूधू थाना में था। सुबह मेरी पेशी होनी थी। पेशी के ऊपर जाने के बाद में वकीलों की और बसों की हड़ताल थी उसी दिन। तो क्या हुआ कि सब वकीलों की हड़ताल होने के कारण से मेरे को पुलिस वाले बोले तेरी किस्मत ख़राब है, और वकील ने खुद ने ये कह दिया था कि तेरी 1-2 दिन की जैसी होगी, जेल दाना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि आज ये मतलब साइन नहीं करेंगे वकील कोई भी तेरा केस, वो साइन पर नहीं जाएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे हृदय के अंदर ये था कि सतगुरु की शरण में होते हुए मैं जेल नहीं जा सकता, मुझे दृढ़ विश्वास था। अब इतनी कहते कहते वहाँ पे मेरे, जब मैं जज के सामने गया, जज के सामने जाते मैंने हाथ जोड़ के और सतगुरु के चरणों का ध्यान करके संत रामपाल जी महाराज का,
और मैं सतनाम का सुमरण करता हुआ, जज स्वयं फाइल को मेरी को उठा के साइड में रख के उसने आवाज मरवाई, तो उसने वकील को बुलवाया, बुलवाने के बाद में साइन करवा के मेरी जमानत होगी। अब वहाँ वकील भी ये कह रहा था कि यार ये कैसे हो गया अचानक, मेरा स्वयं का छोटा भाई साथ था, वो भी बोला यार ये कैसे हुआ अचानक, ये तो होना ही नहीं था। इतने होने के बाद में सबको ऐसा हो यार कि कुछ दिन कुछ तो चमत्कार है। मैंने यही कहा कि भाई मैंने उपदेश ले रखा है और सच्चा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम उपदेश तुम भी लो, ज्ञान चर्चा की, 10 मिनट बैठे और फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया। तो जयपुर के लिए मैं आ रहा था सर, बसों की बिल्कुल हड़ताल थी। मैंने ट्रक को हाथ दिया, एक को ट्रक में पेप्सी भरी हुई थी 18 टन और माड़ियों का था वो, दूधू का ड्राइवर था, मेरी उम्र से 10 साल और ज़्यादा लगा लो आप। वो ड्राइवर में बातें करते करते चल रहे थे, 20 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया दूधू रोड के ऊपर जयपुर की तरफ, और अचानक बात करके ना मैं तो कंडक्टर साइड में देखने लग गया और ड्राइवर को चलते चलते ब्रेन हेमरेज हो गया, ड्राइवर ख़त्म हो गया। गाड़ी 65-70 की स्पीड में दौड़ रही थी फुटपाथ की तरफ से लेन में टच में, और अचानक मैंने देखा तो बीच वाले लेन पे गाड़ी आ गई बैक के, मैंने देखा ड्राइवर सो गया तो मैंने जगाया तो वो मृतक था, वो और नीचे पड़ गया। संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और फुटपाथ की तरफ चलने के बाद में 18-19 बल्लियाँ तोड़ी गाड़ी ने, फिर भी कंट्रोल करी मालिक ने और सतनाम का सुमरन ऐटोमेटिक चालू हो गया मेरा। और मैंने जैसे ही ड्राइवर को धक्का दिया तो ड्राइवर चेत में हो गया, ड्राइवर उठते के साथ में कह रहा था कि वो 5-6 जने को कहाँ गए मुझे पकड़ के ले जा रहे थे। मैं कहूँ भाई कुछ भी नहीं है, मालिक ने दया कर दी, बख्श दी तेरी ज़िंदगी। साइड में बैठ के उनकी शांति दिला के जयपुर तक मैं स्वयं गाड़ी चला के लाया और उस ड्राइवर को कहा कि भाई तेरी मृत्यु नज़दीक है, तू नाम ले ले। उनको बताया कि 14 नंबर जयपुर के अंदर नामदान केंद्र है, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले ले अगर ज़िंदगी चाहता है तो। नंबर दिए मैंने और उन्होंने कबूल किया इस बात को कि मैं नंबर लेकर और जा रहा हूँ, वहीं गाड़ी छोड़ दूंगा आज ही। दूसरा सुख मेरे को ये हुआ, नहीं तो पता नहीं कहाँ अड़जता में क्या होता मेरा। तीसरा नंबर का सुख मेरे को ये हुआ कि मेरी मम्मी को अभी पेट में अचानक पानी भर गया, जब सभी जांचें जयपुर में करवाई तो उनको बच्चादानी में गांठ बताई, डॉक्टरों ने कहा कि इनको कैंसर है। मैंने परमात्मा से सतगुरु रामपाल जी महाराज से अर्जी लगवाई, अर्जी के अंदर परमात्मा ने कहा कि दया करेंगे मालिक, और स्वयं 2-3 रोज़ बाद में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज आए, उनके सिर पे हाथ रख के गए और बोले ती करते रहो और चिंता मत करो, मालिक दया करेंगे। उसके बाद में वो ठीक हैं, ये सुख हुए सब मेरे को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पूर्ण संत हैं, शास्त्रों में प्रमाणित संत हैं, जो इनकी सभी वाणियाँ इनके ऊपर थमती हैं, सभी सतग्रंथों को जानते हैं। मेरे को कल्याण हुआ जैसे आप भी अपना कल्याण करवाइए, और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सारे स्टेटों के अंदर चल रहा है, बुक के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से, आप देखिए ज्ञान को और अपना दुख दर्द मिटाइए और मोक्ष प्राप्त करो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? साधना चैनल के ऊपर जब सत्संग चलता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी के अंदर नीचे मोबाइल नंबर हैं, उन मोबाइल में से नंबर लेके आप बात कर सकते हो और जहीं भी नज़दीक नामदान केंद्र है वहाँ से नामदान ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।